अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स जूनियर्स फ्रेंड्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जर्नी तो आ गई मगर लाफ फैकल्टी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि लाफ फैकल्टी पर अगर बात की जाए तो डिटेल में बात की जाए तो इसलिए आई हैव माय क्लासमेट्स विद मी वड्डा, फरहान, नायब, शादाब भाई जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। यहाँ से सब की क्लासमेट हैं और अब अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहते हैं। कोई जुडिशरी में जाना चाहता है, कोई फॉरन एलएलएम करने जा रहा है, कोई लिटिगेशन में जा रहा है, कोई एकेडमिक्स में जा रहा है। हमने पाँच में हमने सोचा कि एक डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल कि हमारा पूरी जर्नी क्या रही है, एक्सपीरियंसिस क्या रहे हैं लॉ फैकल्टी में, क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मेन मकसद आज की डिस्कशन का यही है कि हम इन तमाम चीज़ों पर बात कर सकें जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ना तो वो चीज़ें हाईलाइट करनी ही थी, है ना, बात करनी थी। हमने सोचा जो हम ही कर देते हैं। पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल हम लॉ में आते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है। तो मैंने ज़ाती तौर पर ये महसूस किया है कि यहाँ पर जुडिशरी के अलावा किसी और चीज़ को इंकरेज नहीं किया जाता। हालांकि मुझे लगता है कि आपको हर फील्ड में अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर सिलेबस की बात की जाए तो हमारा सिलेबस बहुत पुराना है, वक्त के साथ मॉडिफाई हुआ नहीं और ये प्योरली जुडिशरी बेस्ड है। लेकिन इसमें भी कमी कहाँ आती है, ऐसा नहीं होता है कि हमारा बैच अभी 100 बच्चों का बैच, हमारा 110, ऐसा नहीं होने वाला है कि अभी 110 में से 5 बच्चों का डायरेक्ट जुडिशरी निकलेगा, ये भी तो नहीं हो रहा है ना। अगर आप यही कर रहे हो कि आप जुडिशरी बेस्ड सिलेबस पढ़ा रहे हो, आपका फोकस वही है, तो आपके 5 बच्चे तो निकालने चाहिए ना, क्यों नहीं निकाल रहे? हमने भी कमी नहीं, आपने भी कमी नहीं देखा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, रोज़ बदल रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। हिंदुस्तान में कानून रोज़ बदल रहा है, आपके यहाँ किसने बताया जा रहा है? एनआरसी किस लिए जैसा मुद्दा हो गया, हमारी एक क्लास में एक चीज़ नहीं बताई गई कि एनआरसी ये स्टैंड किस लिए करता है, कुछ मॉडल नहीं बताया गया क्लास में। प्राइवेसी का जजमेंट हमारे वक्त में आया, नहीं बताया गया। अयोध्या हुआ नहीं, बहुत सारे मुद्दे हुए। और कुछ अच्छी बात है कि कुछ बच्चे अपने बैच से, इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पूरे वस्तु को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 5 साल में एक भी डिस्कशन, एक भी डिबेट, एक भी पैनल डिस्कशन, एक भी लेक्चर किसी भी लॉ केस पे, रिसेंट लॉ केस पे नहीं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ए जनरल स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ फैकल्टी ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दी अलीगढ़ सेकेंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर एक भी हुआ होता तो अगर कोई मुझे बता दे तो मैं याद है, एक हुआ था साबरीमाला का हुआ था। अच्छा, क्लास में आज तक नहीं हुआ, मुठकोट में हुआ था। अच्छा, मुठकोट में, ठीक है। इसके अलावा एक भी नहीं हुआ, एक हुआ है, एक के अलावा नहीं हुआ है अभी, आप देख लें। कोई हाथ नहीं। बच्चों ने खुद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, पहले छोटी फॉर्म पे इंटर्नशिप किया, मतलब यही एक आपका जो एक नॉर्मल रूट होता है इफ यू बिलोंग टू अ नॉन एलएलएम रूट। व्हाट यू डू इज आप स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंटर्नशिप करते हैं, देन यू डू सम अदर यू नो एनजीओ की इंटर्नशिप, और सेकेंड ईयर में आपको यही सकता है यू नो सेकेंड ईयर लॉ फर्म्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू इन एज एन इंटर्न। बट इवेंचुअली वो थर्ड ईयर तक आते आते एक आध सेकेंड ईयर की फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फिफ्थ ईयर में इवन द टॉप 10 फॉर्म स्टार्ट टू पिक यू अप इवन इफ यू बिलोंग टू अ नॉन एलएलएम। बट ऑल ऑफ दीस पीपल आई सीन, आई कैन नेम देम ऑन माय फिंगर्स, बट नन ऑफ देम आई थिंक हैव टेकन एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर इट। फैकल्टी से उसमें कोई उन्होंने बेतहाशा मेहनत करके दिन रात एक करके कॉर्पोरेट में अपनी स्पेस बनाई है, इवन कमिंग टू एएमयू। नाउ व्हेन आई अप्लाइड फॉर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आई रियलाइज दैट नाम का तो फायदा होता है लेकिन इसलिए नहीं, बिकॉज वी हैव ग्रेट फैकल्टी और वी हैव ग्रेट एजुकेशन हियर, इट्स बिकॉज समवेयर मतलब मेरे हायरिंग प्रोसेस में मैंने रियलाइज किया दैट द थिंग दैट क्लिक फॉर माई यू नो द पर्सन हु हायर
वॉज अच्छा आप एएमयू से हैं एंड वी हैव हैड वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम एएमयू बिफोर दिस एंड शी वाज ब्रिलियंट शी चेंज्ड द वे वी वर्क शी वाज डायनामिक शी जस्ट बेसिकली रेवोल्यूशनाइज अवर कंपनी शी वाज वेरी अप्रिशिएटिव she did her BA from here and then she did her master's from Jaipur. So the thing is, even if we are making space in these in these firms and companies, it is all due to our own effort that we are putting. उसमें जो नाम AMU का आ रहा है तो उसमें भी a lot of it has to do with what the students are doing, है ना, on their individual level. But वो कितना ही कर सकते हैं. चार या पांच स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड इनफ टू गो आउट ऑफ द वे टू डू ऑल ऑफ दिस टू राइट हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस टू बी फोकस्ड देयर लाइक टू डू ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर फैकल्टी. बट अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी बिलोंग टू एएमयू और हू डिड देयर एलएलबी फ्रॉम एएमयू. इफ वी आस्क एक आध बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटानिया से बुरहान भाई जो थे उनको बुलाया गया था यहाँ पर और सलमान खुर्शीद जो काम करते हैं So there have been instances, but they have been very, very few, very few instances that we incorporate in my team. मेरा जो ओपिनियन है उसको लेकर आपका ख्वाब रहा था? नहीं, ख्वाब था यहाँ आने के बाद, वो देखने के बाद लगा कि हाँ जुडिशरी करना चाहिए. डेलीगेशन ने तोड़ तो नहीं दिया वो ठाके? हाँ, डेलीगेशन नहीं तोड़ा है. सही भाई, जहाँ तक मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन में एक बात ही बात है जो है कि एक शख्स पहले लॉ फैकल्टी दाखिल होता है तो लॉ फैकल्टी की दीवार पर पहले जो बाबा फॉर्म से सैयद की जो है फोटो देख लेता है और देखता है ये मुंशी रहे हैं बस उसके हट करके. लेकिन यहाँ तक मैं इस सूरत हाल को देखता हूँ कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को देखने के दो आदमी मतलब हो सकते हैं. एक चीज़ होता है कि आप दूसरी तौर पर देखें उसके कानूनी पहलू क्या और इखलाकी पहलू क्या, एक ही चीज़ है कि हाल के बाद क्या चीज़ है. तो पहले की सूरत में छोड़ के दूसरे किसी को मैं ज़्यादा तब तक करना चाहूँगा, खास करके हमारे अलीगढ़ मतलब नौ से लैंग्वेज का ऐसा ना आप इस कहा. तो एक चीज़ ये है कि मुझे यहाँ तक लगता है आप तक ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया खास करके हमारे लॉ फैकल्टी में, ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं. एक तो आपने पॉइंट आउट किया था सिलेबस की कमांड है कि कहीं ना कहीं कि पहले से जो मवाद फराहम कर रहे हैं यही है कि आपको वो राह हम बार करनी चल रही है. दूसरे चीज़ ये है कि जो तलबा यहाँ पर आते हैं उनका जो पस मंजर है आप जिस इलाके से आते हैं उनके सामने भी उस तरह के कह सकते हैं कि दुनिया उस तरह खुली है. वो पहली बार अलीगढ़ पहुँचते हैं और चीज़ों को देखते हैं अच्छी ये भी कोई दुनिया होती है, और जब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं हालात को सुनते हैं अपने दुनिया से बातों को जानते हैं, मुझे लगता है कि हाँ एक ही चीज़ है जहाँ से मुझे ताकत मिल सकती है, जहाँ मुझे बाहर मिलता है, जहाँ माशरे में नाम बना सकता हूँ. और अगर मैं अपने माँ से यहाँ पर मदद चलूँगा तो मुझे कहेंगे कि हाँ इस बंदे में कामयाबी हासिल है. ये चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मैं शरीक कर जा चुका हूँ. इसकी वजह बनती है लोग विनती कर लेते हैं ठीक तैयार भी कर रही है, उन्हें चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन. अब मेरा एक चीज़ है ना कि मैं इस दुनिया की भीड़ में अभी भी पहचाना नहीं जा रहा हूँ और ना ही मेरे पस मंजर में लोग पहचाने हैं, तो गालिबन ये वजह है. लेकिन अब जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया खास करके हमारे बैच में मैंने अक्सर लोगों को देखा है इंडिकेशन इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहिए. अगर मान लीजिए जैसा पहले नहीं रहा 20% से ज़्यादा लोग का मुझे लग रहा है एटलीस्ट लोग मैं इस बैच की बात कर रहा हूँ अपने बैच की बात कर रहा हूँ. अब अभी कंपेरेटिव बैच भी करेंगे तो इतना है कि शराब एक बात पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि हाँ सोसाइटी में ये जब मैंने घर वालों को कहा था कि मुझे जुडिशरी नहीं करनी है, नहीं करनी बिकॉज आई नॉट वॉन्ट, तो वो कहते थे कि भाई खाएगा कहाँ से, कोई रिश्ता नहीं देगा. तो मतलब इस तरह की चीज़ें खुल के आती हैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकूँगी क्या छाता लेकर बैठोगे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डिस्क्रेज वहाँ से भी होता है इंसान. मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो जो लोग जुडिशरी करना चाहते हैं उनके लिए तो राहें हमवार होती हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है. मतलब ये मैं समझता हूँ कि सबसे पॉजिटिव बात हमारी फैकल्टी की यही है कि जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनके लिए राहें बहुत आसान हो जाती हैं. मतलब उनको फिर भी जाके राहुल से कोचिंग करना पड़ता है, ठीक है, मतलब फिर भी यहाँ पर तो आरसी वगैरह. मगर मसला ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जुडिशरी में कदम लिटिगेशन करना है तो मुझे क्यों आपको जो है वो डिबेट करना पड़ रहा है, मुझे आप क्यों कह रहे हैं कि आप जुडिशरी करें, पहली बात. और दूसरी बात ये कि अगर मुझे लिटिगेशन करना है तो उसके लिए मुझे इंटर्नशिप्स करनी है, उसके लिए मुझे मोटकोट कॉम्पिटिशन्स में जाना है, तो यहाँ पर एक बाइनरी क्रिएट हो रही है. बाइनरी ये क्रिएट हो रही है कि अगर मैं अच्छे घर से हूँ
फाइनेंशियल बैकअप मुझे है घर से, तो मैं मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में भी जाऊँगा, मैं इंटर्नशिप्स भी करूँगा। अगर नहीं है तो मैं यहाँ से दिल्ली जाके इंटर्नशिप नहीं कर सकता, मैं कहीं भी मूड कोर्ट नहीं कर सकता। वो जो लोग फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं वो कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं इस फील्ड को। ना वो डिबेट कम्पिटिशन्स में जा सकते हैं क्योंकि आपको कैंडी की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती है, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, ना ही आप मूड कोर्ट कम्पिटिशन में जा सकते हैं, ना ही आप जो है वो बाकी किसी और कम्पिटिशन में जा सकते हैं, वो पार्लियामेंट्स वगैरह होती हैं। मुझे लगता है कि वो पूरे का पूरा एरिया ही नेग्लेक्टेड है यहाँ पर, ना ही उसे इंकरेज किया जाता है इस तरीके से बातों से, और ना ही किसी एक्शन से फंड्स के थ्रू भी उस चीज़ को इंकरेज नहीं किया जाता। खास विजन ये चीज़ करनी है कि आप विजन में कहीं कहीं चीज़ को रखें कि मुझे बस बंदे को या बच्चों को जो है वो खाली सनत जो है वो या डिग्री दिलवा देते हैं, लाभ के लिए चीज़ है कि उनकी तरबियत करनी है और उनके साथ शादी होनी है, ये भी एक मसला है कि आपको लॉ फैकल्टी या किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन क्यों लेते हो। लॉ फैकल्टी इज़ नॉट ए मशीन जहाँ से आप डिग्री हासिल करें, उसके साथ एक पैकेज होता है। सनद ये है कि आप उस लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर अब आप लीगली बाहर जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यू आर लीगल, मतलब यू आर लीगल एक्सपर्ट नाउ, है ना, यही इसका मतलब ये होता है। बट क्या हम जस्टिफाई कर लेते हैं बातों में, वो तो डीलिंग को अधिक खास अच्छा दे देगा। खैर, नेक्स्ट ये है कि क्या हमारे यहाँ पर अभी बात हो चुकी है डिबेट एंड डिस्कशन के माहौल, जो क्लासेस का मकसद क्या रहता है यहाँ फैकल्टी में, जो चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो हमें किस चीज़ की तरफ धकेलती है, क्या ओपन माहौल है डिस्कशन का ऑन डिफरेंट इशूज। आई थिंक वी हैव डेल्ट दिस पॉइंट, बट एक एक टेक फिर बात ऐसी है, हम लोग सब एक ही बैच में हैं तो डिबेट एंड डिस्कशन आपस में हम लोग कर सकते हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी प्रोफेसर से पूछ लेंगे, किसी टीचर से सवाल कर लेंगे, तो आप ये तो हमने ढाबों और कैंटीन से सीखा है। हाँ, क्लासरूम में आप डिबेट एंड डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, वो हो गया, मतलब वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप कर लेंगे तो वो आपसे कैसे डील करेंगे ये आपको नहीं पता है, और अच्छे चांसेस हैं कि रिजल्ट निगेटिव होगा आपका, इस तरफ से आपका मार्क्स आएगा नहीं आएगा, शायद डिग्री मिलने में भी लेट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो माहौल होना चाहिए अपने डिपार्टमेंट का वो तो बिल्कुल नहीं है, आप नहीं सोच सकते हो। सवाल करना चाहिए, आप भाई बार बार कर देते, इस जगह ने सवाल करना सिखाया है, तो ये भी ज़रूर सिखाया है कि इससे सवाल नहीं कर सकते और हम लोग किसी से सवाल नहीं कर सकते थे, जो जैसा हो रहा है हम सबकी गलती है। 5 साल हमने भी डेढ़ साल चले हैं, भीड़ का हिस्सा बन के रहे हैं, क्योंकि डर लगता है। मैं कम से कम नहीं तो 15 या 20 बार मैंने आप मुझे एक इवेंट कराने दें जिसमें ये डिस्कशन होगा, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत ही मेन स्ट्रीम डिस्कशन रहेगा, सिर्फ इसलिए जस्ट प्रमोट द फैक्ट कि हाँ यहाँ भी डिस्कशन होता है। बट आई हैव ऑलवेज बीन रिजेक्टेड, देयर हैव बीन ओनली 1 or 2 इंस्टेंसेस वेयर आई वाज पार्शियली अलाउड कि ठीक है कर लेना, बट यहाँ स्पेस नहीं है था। पहली बात यह स्पेस नहीं हमारी, एंड वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी बैड, देयर इज नो पर्टिकुलर स्पेस, no lawn where you know students can have either formal or informal discussion. Another thing is territorially, law faculty bilkul university se hat kar hai, which really affects the way we interact with the university. What does a university mean? So basically the idea behind a university is that you get to interact and you get to have your approach as a very multidisciplinary approach, you know, आप पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, आप हिस्ट्री के भी कर रहे हैं, आप दोनों को इंटर रिलेट कर रहे हैं, आप उसमें लॉ भी डिस्कस कर रहे हैं ना, एंड देन यू कम अप विद अ डिस्कशन विच टचेस ऑल 3 सब्जेक्ट्स, है ना, एंड देन वो होता है आपके मेन यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। बट बिलोंगिंग टू लॉ फैकल्टी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम टू द मेन कैंपस पार्ट वन, है ना, तो उसके लिए तो बहुत एफर्ट चाहिए होता है कि आप वहीं आपका कॉलेज है, वहीं आपका हॉस्टल है, ट्रू फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, वी डू वी गो बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द कॉलेज टू द हॉस्टल, डे कॉलेज वहीं से अपने घर चले जाते हैं, इतना डिस्टेंस करके आते हैं क्रॉस, तो वो नहीं सोचते कि रास्ते में वो यहाँ रुक कर जाए। बट दिस प्रोडक्टिव स्पेस दैट वी हैड क्रिएटेड इन द कैंपस दैट वॉज एंड अवेलेबल टू लॉ फैकल्टी स्टूडेंट्स,
they were very distinct. Yahan pe jitne bhi even before CA and IT issues hote the, there used to be a lot of discussions. There used to be a lot of informal groups that were created, you know, where solutions from every faculty was present. But wahan pe kaun nahi rehta tha? Law faculty ka student. जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था उस डिस्कशन में बिकॉज ही इज रीडिंग ऑल ऑफ दोस सो दैट्स द थिंग आई थिंक टेरिटोरियल भी फर्क बहुत पड़ता है कि जो राइट है 20% या 20% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैंपस का जो माहौल है, जो कैंपस में बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है सीखने का, मैं समझता हूँ कि मेरा ही पर्सनल से है जो एम यू का इनफॉर्मल स्पेसिस बच्चों को सिखा देती हैं, स्टूडेंट्स को सिखा देती हैं, हमें सिखाया। मैं समझता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एम यू आया थी, गौर नहीं किया। बाकी किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्मल स्पेसिस भी वो चीज़ नहीं सिखा सकते, बाकी मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब इसमें आई डो रिमेंबर कि एक मरतबा इंद्रजा सिंह साहिब आई थी हमारे यहाँ, तो वो एक बहुत अच्छा वो हुआ था, वो भी जैन भाई वगैरह या जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कोशिश करके हो रहा है। इसके अलावा यू एब्सोल्युटली राइट कि वो स्पेस हमें प्रोवाइड नहीं होता। अब इस पर मसला ये आता है, जब भी आर्गूमेंट ये होता है कि हैव लॉ सोसाइटी, कि ला सोसाइटी है और वो सब कुछ वो कर रहा है, बट सवाल ये पैदा होता है कि रात को एक जूनियर के साथ में छोड़ी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि ला सोसाइटी 125 साल पुरानी है ना, कितनी बड़ी एजाज की बात है कि आपके पास वन ऑफ द ओल्डेस्ट ला सोसाइटी है आपके पास। और सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 5 साल में आपने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जिसने नेशनल इश्यूज में कोई कंट्रीब्यूट किया हो या किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हो आपकी तरफ से। 5 साल में एक इंट्रा मोडकोट कंपटीशन और एक इंटर मोडकोट कंपटीशन, यानी इसके अलावा और आपके पास क्या है? आपकी टीम्स कैसे जाती हैं मोडकोट में, टीम्स कौन सिलेक्ट करते हैं और किस बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं? वो सोसाइटी बनी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है इसके नीचे कैसे करें। अच्छा, ये भी बहरहाल तो एक महीने में साथ मिल जाएगी, जनरल इन्वायरमेंट जो है हमारे बच्चे कहीं के फ्यूचर नहीं लगता है कि वो अपने आप को सब तक लाइफ है हमारे यहाँ जो हालत उसका जैसे ये है कि बात लोग जो है ना हम ये बोलते हैं हमारी फैकल्टी नंबर 2 फैकल्टी है इन इंडिया, ये तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बनता है क्या है हकीकत कर रहे हैं आपने मुझे हकीकत मानने के बाद फिर देखें कि क्या क्या रास्ते हमारे पास मौजूद है। आपने कुछ चलने की कोशिश करके डिस्कशन और हमारे हॉल्स वगैरह में उनके लिए कल्चर ऑर्गेनाइज करते हैं और मैगजीन्स वगैरह, अब तो धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो रही है लेकिन और मैगजीन्स के लिए बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि इस वजह से लोग जमाने मजाक सब हो रहे हैं, ये चीज़ है कि आज वो चीज़ें खत्म होने चल रहा है तो इस चीज़ की अगर हम तवज्जो दें खास करके। और एक चीज़ और है तो लॉ फैकल्टी होने के नाते लीगल एड कस्से अच्छा लीगल ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल तरह से जो है वो बंद है, तो अगर हमारे जूनियर्स वगैरह इस पर ध्यान दे देंगे तो उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा और एटलीस्ट जो बैठे जो वापस भी कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारे जूनियर्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से आप इस पर फोकस करें बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप अभी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में होंगे, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, एकेडमिक्स का इतना अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। लीगल एड सेट वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क ऑन एन ADR सेट, ठीक है? ADR इज द न्यू लॉ, इट्स अ न्यू लॉ बेसिकली, इट्स अ फैक्ट है ना, तो ADR सेट होना चाहिए। देयर शुड बी एन इंटर्नशिप सेट, a board that helps students to get selected into internships, finds out ki kaun kaun si internships ki vacancies kahan kahan open, there's placement cell hona chahiye, sabse important hai hai placement cell, but it there should be an active placement cell, kehne ko to legal aid cell bhi hai, you know, on paper, did you know that? I never knew that, I got to know in my third year that there's a legal aid cell also, but it's not functional. हमारे 5 साल में हम कभी गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और टू एनी लीगल एड सेल, वी हेल्प एनीवन आउट देयर, हम अलीगढ़ में रहते हैं, देर इज अ थाउजेंड ऑफ केसेज दैट हैपन हियर, एंड इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद दीज केसेज, हम बहुत सारा लॉ तो हम नहीं सीख जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज देर वॉज नो लीगल एड सेल, हमें फैकल्टी की तरफ से लिखे ही लीगल कोर्ट नहीं, अगर हमें लीगल एड सेल लेकर जाते वहाँ पर हम इंटरेक्ट करते हैं, हमें समझ में आता कि ठीक है इस तरह के केसेज होते हैं, इस तरह के मसले होते हैं। इसके अलावा ADR सेल बहुत जरूरी है,
प्लेसमेंट सेल जरूरी है, इंटर्नशिप सेल जरूरी है. इट्स वेरी इजी, जस्ट क्रिएट अ ब्लॉग पेज जिस पर आप जो है इंटर्नशिप. अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है लॉ से, कैन यू से डू इट इनफॉर्मली. हम लोग करने वाले हैं दिस वेब ट्राई टू स्टार्ट इन एरिया सेल, बट देन कोविड के पेंडेमिक केम टू यू नो ऑनलाइन स्टडीज और फिर वो हो नहीं पाया. बट इफ यू कैन कंटिन्यू दैट, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा सेल जो जिनको मास्टर्स करने LLM करने मास्टर्स करने फॉरन जाना है उनके लिए एक सेल. हमें ये नहीं पता होता कि एस टी लिखना कैसे, कोई नहीं बताता. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई वायरों का जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कोई गाइडेंस नहीं मिली है हमको, तो नहीं मिली. जहाँ भी जा रहे हैं खुद वहाँ पर जाके आप मल्टीवर्स को भूल नहीं जाएंगे. नहीं बोलेंगे जो चीज़ मेरे साथ हुई वो उनके साथ नहीं होनी चाहिए. कोई बताने वाला होना चाहिए कि हाँ इसको किस चीज़ की क्या चाहिए, नहीं पता था इसको क्यों होता है, कोई चक्करने वाला नहीं. क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन हुआ कि नहीं हुआ? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन हुआ पर लिखना खुद पड़ा है. वो लिखना खुद पड़ा, ये भी एक बहुत बात करते हैं. हाँ तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे बच्चे इसकी एसओपी रिजेक्ट हो जाता है, सिंपली एसओपी रिजेक्ट की और एसओपी आप कुछ नहीं कर सकते हो. क्योंकि नहीं, अगर मेरे पर्सनल कनेक्शन से तो आई गॉट इट सर, जिसके नहीं है वो क्या करेगा. और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री यूनिवर्सिटी आपको जाना है तो आपको पता तो होना चाहिए आप वहाँ जाओगे आउटपुट आपका क्या है. आपके पास एक्सेल होना चाहिए, आपको बताए कि हाँ यू शुड गो टू दैट पर्टिकुलर कंट्री टू दैट यूनिवर्सिटी, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं होती है. हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बच्चे हैं 10 मिनट के लिए, दो तीन बातों को ऐड करके उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो रहेगी वो रहेगी कि जो इंटर्नशिप हमारी होती है स्टूडेंट बोलते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो दो तीन साल से कोविड 19 की वजह से नहीं हुई थी, बट इस साल हुई है क्या हुई थी? आप सर्टिफिकेट देख के बताएं आपको कुछ कहते हैं की होती है ना तो बता होता. अच्छा आपने की है इसका मतलब बता. वही ना मालूम नहीं चलता. आप सर्टिफिकेट देख के सर पता चल गया. एक तजुर्बा मैं ये बता सकता हूँ, इंटर्नशिप का किए थे आप व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना हुआ तो ये हुआ कि इतना ज़रूर पता चला कि अगर एक वीज़ा मतलब कि एक अगर आपके एक वकील हैं और किसी हैं तो उनको किस टाइम पर कॉल करना चाहिए. अच्छा सर्टिफिकेट के लिए लगता है काफ़ी और ये अलग सवाल है. तुम लोग गया नहीं गए लेकिन मेरे पास 15 दिन का सर्टिफिकेट मेरे पास है 15 दिन का. और देखिए मतलब हमारी फैकल्टी की बात अच्छी है कि वो हमें सर्टिफिकेट जुगाड़ करके दे रही है. अब इस पर देखें ठीक है मतलब बट यू नो चूँकि हम बात कर रहे हैं अब ये चीज़ समझें कि जब हम लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे किसी को बोलने कि हमें एज ए जूनियर आप हमें ऐड करें तो उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा कि यार ये कौन लोग हैं, उसी कॉलेज के लोग हैं जिन्होंने इंटर्नशिप के बगैर सर्टिफिकेट्स लिए थे. अब ये समझें कि आप हमारी इमेज क्या क्रिएट करवाना चाहते हैं, है ना. हाइयर स्पोर्ट ऑफ द लेन में आप हमारी इमेज ये कि आप काम मत करवाइए व्हाट्सएप पर खराब लगता है बाबा की वजह से जो है ना आपसे तो सामने भी रखा है. एक और बात जो होगी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो हम लोग कभी सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं गया हूँ कभी सुप्रीम कोर्ट तो अब ये होगा कि तो अब कभी मेरे जाना होगा हाँ मुझे काम करना होगा वो मुझसे पूछेंगे सर्टिफिकेट में तो रहेगा ना दिखाने को हाँ दे भाई लेकिन वो अगर पूछ ले एक्सपीरियंस तो क्या बोलते कुछ है ही नहीं आप लॉ फैकल्टी में वेर योर एंटायर पर्पज इज फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग जस्ट एंड अनजस्ट वॉट यू आर लर्निंग इज डिसऑनेस्टी. इस सेंस में भी करें आप असाइनमेंट्स बनाते हैं नोबडी चेक्स कितना प्लेजराइज 100% ये स्कीम बता दो जूनियर 100% प्लेजराइज असाइनमेंट्स देयर इज नो वन हु चेक्स योर असाइनमेंट देयर इज नो वन हु वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन देयरफॉर यू बिकम कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ राइटिंग एनीथिंग. अब हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने
एक्चुअल रिसर्च पेपर्स जिन्होंने एक्चुअली काम किया है। इसमें एक प्रॉब्लम सबसे कम पता क्या आती है, वो भी आती है कि जो हमें कहा जाता है कि आप 15 दिन में आप 6 प्रोजेक्ट सबमिट करें, 6 सेक्शन सबमिट करें, पॉसिबल कि हम एक दिन में 5,000 वर्ड का प्रोजेक्ट लिखे जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और एक और इंटर्नशिप पे मुझे एक और बात याद आई कि आई हैव गॉट नॉट आई ओन बट मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि भाई हमें इंटर्नशिप में बी मिला है उस सब्जेक्ट में, हमें उस फील्ड में बी मिला है जो हुआ ही नहीं, तो आप उनको बी मिला है। सर एक चीज़ और प्लेजरिज्म पर मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर हमने नोटिस पढ़ी होगी हमने देखो वन ऑफ द कंडीशन होता था कि रिपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, रिपोर्ट ही नहीं चाहिए आपको। अच्छा इसमें वी नॉट हैव इनफ टाइम, क्या कोई चीज़ रह गई है? हाँ, वी हैव टीचिंग का ये मसला है कि इसमें हाँ दो चीज़ें, नेपोटिज्म पे अभी उस पर भी आते हैं, नेपोटिज्म से पहले वी हैव टीचिंग का मसला ये है कि वी हैव टीचिंग से पहले ये होता है कि बचपन में जब थर्ड फोर्थ मैं अपने वाल साहब के स्कूल जाया करता था, हाई स्कूल हमारा एक गाँव है अड़ाई, वो दूर है गाड़ी के, वहाँ पर भी सब ख्याल किया जाता था कि 9th-10th के बच्चों को अगर मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स पढ़ाए, सोशल साइंस का टीचर तो सोशल साइंस पढ़ाई। यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में आ रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि हमें इकोनॉमिक्स का टीचर जो है वो क्या लॉ प्लॉट पढ़ा रहा है, हमारे जूनियर्स से मुझे पता चला कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट उन्हें हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो है ना तो मतलब ये देखिए ये कितना बड़ा फसाद है, और ये समझता हूँ यहीं से वो आपका कोई भी आकर आपको कुछ भी, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ऑलराउंडर हैं वो कुछ भी पढ़ा देंगे। ये चीज़ सबक में देना हमें कि हालात कैसे भी हमें उसे भागना नहीं चाहिए, जो काम दे रहे हो जाए। प्रॉब्लम्स तो हमने सारी डिस्कस कर ली है, और प्रॉब्लम्स तो ये लोग खुद फेस करेंगे तो खुद भी पता चल जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बट द थिंग वी आर हियर फॉर इज वी आर हियर टू सॉर्ट ऑफ गिव देम अ वे कैसे डील करें। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, आप क्लास से कुछ ना एक्सपेक्ट करें, 1% भी ना एक्सपेक्ट करें कि आप क्लास से कुछ सीखेंगे, आपको खुद पढ़ना है अपने, आपके पास 5 साल है, 5 साल बहुत होते हैं, और अगर आप उसे वेस्ट कर देंगे और सिर्फ आप शिकायतें इस तरह की कि नहीं बेकार फैकल्टी है, नहीं पढ़ाई हो रही है, हाँ ठीक है, ऑल ऑफ दैट माइट बी ट्रू, बट आपको अपने पर्सनली जो काम आपके खुद के ऊपर आपको करते रहना है, मतलब आपको CPC ऑन योर टिप्स होना चाहिए, आपको CRPC ऑन योर टिप्स होना चाहिए, यू शुड नो योर सब्जेक्ट वेल, इफ यू स्टडी अ सब्जेक्ट फॉर 5 years इट विल जस्टिफाई योर डिग्री, इधर और नॉट whether or not your faculty justifies your degree does not matter, but you should personally be able to justify that you are a law graduate. So you have to study on your own, you should sit in the seminar or wherever you have banana sad library, and you should really focus on matlab a lot of videos are available on YouTube, you can take coachings, any matlab aap aur cheeze kare, wahi ho raha hai, faculty is not वही हो रहा होता है, वैसे ही लड़के जो आगे बढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वैसे ही बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन यही है और यही चल रहा है। उसके उसका कंटेक्स्ट ये है जो आप बोलने जा रहे हो, ये है कि अरी भाई ने रिसेंटली एक RTA डाली, तो RTA से पता चला फन फैक्ट कि वो मैचिज जहाँ पर किसी ना किसी प्रोफेसर का कोई ना कोई रिलेटिव था, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेज मिल सकता है एक्सेप्शन को, उसमें पोजिशन और बोर्ड मेडल्स उसी के रिलेटिव को मिले हैं, मतलब यहाँ तो आप ये समझ लें कि इतने काबिल सिर्फ प्रोफेसर के रिश्तेदार ही हो सकते हैं, बाकी बच्चे नहीं हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई प्रेसिडेंट या कोई एक ऐसी बीमारी एग्जिस्ट करती है फैकल्टी में जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो डिजर्व करते थे टू बी देयर, तो ये तो उनको डिस्क्रेज करना होगा, उनका हक मारना होगा, तो ये भी एक मसला अभी रिसेंट में कहा जाता था, डिस्कशन होती थी, बट ऑन फैक्ट अभी ये निकल कर आया है। आखिरी अल्फाज जो मैं इसलिए यूज करना चाहूँगा, खास करके जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस तरीके का उसूली तौर पर इसका जायजा लिया जाए, खास करके क्योंकि इस इदारे से इस बाकी तौर पर भी, और जैसे कि हमारे इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, तो किसी भी इदारे में अगर अकरबा नवाजी हो रही है, अकरबा नवाजी को आप कंसिडर करें, मतलब अगर कहीं पर भी अगर आप अपने भाई भतीजाबाद जिसको इंग्लिश में जिसको आप नेपोटिज्म कहते हैं, और उर्दू में जिसको आप अकरबा नवाजी कहते हैं, और इस तरह ये एक इखलाकी मसला है कि कहीं किसी इदारे में भी कोई इदारा अगर इखलाकी मसले में मुबला हो जाए, उसके अंदर इखलाकी खराब पैदा हो जाए, और खास करके उसके अंदर ये चीज़ है कि वो मेयारात को दरकिनार करके और मेरिट्स को साइड में रख करके अगर कोई फैसला करने लगे, तो
फिर उसका जवाल ये आफाकी कानून है, ये कौमे की खुदा इस तरह से जो है ना मुल्क दुनिया के नक्शे से हटा देता है और मिटा देता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें अभी डील मिली है या हमें अभी मुहलत मिली है तो सोचें या गौर करें बाहसियत तालब इन और बाहसियत इस को भी चाहिए कि हमें इस चीज़ को देखें कि हम उनसे ही सीखते हैं, बिल्कुल समझते हैं, कल होकर के हो सकता है कि हमने से कोई जो है उस मुकाम पर पहुँचे। तो नियत भी इंशाल्लाह कि आप अपने आप को अपने दामन की उस जगह से जो है ना बचा देते हैं, उम्मीद ना रखें, कोशिश है इनके मौज मुस्तकबिल में किसने देखा है। तो बहरहाल तो एक यही चीज़ है कि हमें चाहिए और जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आप हालात सूरत हाल को पहले मजबूत करें, उससे फरार हाल पूछना हासिल ना करें, फरार इख्तियार करें पूरी और उसके बाद भी जो चीज़ें हैं जो राय मत खाने के और जो चीज़ें अभी तकबीर पूरी मुझे मायर चुकी हैं किस तरह से कर सकते हैं बाकी फरहान देखिए मसले तो हैं भाई भतीजावाद जो भी कह रहे हैं मसले तो हैं और लौटी बात आती है तो हम खुद बहुत मेडियो कर स्टूडेंट रहे हैं, हम ऐसा क्लेम नहीं करेंगे कि हम गोल्ड मेडल मिल जाएगा नहीं मिलेगा, वो देंगे तो हम लेंगे देंगे भी पहली बात तो हम भगवान है ना, लेकिन हर बात में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिजर्व करते हैं और ऐसा नहीं है कोई अगर लॉ में अच्छा है तो कोई डिबेट में अच्छा था कोई मुझको बराबर के मौके सबको मिले है ना। और खैर मसले तो हैं अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे सदा भाई जैसा भाई हाँ जो चीज़ें जैसी हैं वैसी है। मानो पहले दोस्तों की हाँ यही है वो मत देखो कि इंडिया टुडे अभी निकाल दिया रैंकिंग और अब सेकंड रैंकिंग और अब प्राउड अली और अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर दिया और कोई वो मत करो आप मान लीजिए कि हमारी बात से हमारे सीनियर हम देखे हैं कि जिसको जो करना था ना अगर वो खुद पे काम किया है तो वो कर लोग लिटिगेशन में अच्छा कर रहे हैं, लोग कॉरपोरेट में अच्छा कर रहे हैं, जिनको मास्टर्स के लिए बाहर जाना था हमको जाना था हम जा रहे हैं ठीक है, तो कोई रोकेगा नहीं तुमको, हाँ कोई सपोर्ट नहीं देगा, दोस्ती अच्छी लोग वो लोगों को लोग अच्छे मिलेंगे, हाँ सालिफ भाई को जाना है सदा भाई को जाना हर बैच में एक नवाब भाई भी आपको मिलेंगे और बस देख लो कट जाएगा मज़ा आएगा इतना बुरा नहीं है बहुत अच्छा है। अगर ज़िंदगी सबसे हसीन पल कोई पूछेगा कब थे यही थे अम्बेडकर शेरू के साथ हाँ यही थे जो था यही था आप बहुत कुछ है क्या बताना चाहिए तो आप एडवाइस मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा रहा है प्रगति में भी अच्छा रहा है, हाँ कुछ जगह मसले हुए हैं कि हाँ आप मतलब एक आप मैार लेके आते हैं मतलब एक होता है कि हाँ ऐसा होगा ऐसे टीचर भी नहीं है तो हाँ वहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ बाकी बहुत अच्छा रहा। दोस्ती अच्छी बहुत ज़रूरी है मतलब मेरा जो रहा है बहुत मीडियोकर स्टूडेंट हैं बहुत चीज़ें नहीं जानते होते थे उर्दू बहुत बुरी मतलब कुछ बहुत चीज़ें थी मेरे साथ तो वैसे लड़के मिले जिन्होंने मेरे पे मेहनत किया और मतलब बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिले तो अगर आज मतलब 5 साल पहले जो थे और अभी बहुत फर्क है और वो यहीं की वजह से यहाँ पे जो अच्छे लड़के मिले उसके वजह से यहाँ पे रूप का ढाबा मिला वो बहुत बड़ा फर्क मिला या वहाँ पे ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को देना चाहिए था वो रूप का ढाबा पे मिला जब हम शेरू का ढाबा बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इन्फॉर्मल स्पेसेस हमें याद है इवन वद्दा वाज द वन जिसने यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए वो इन्फॉर्मल स्पेसेस पे तो हुए हैं। अब जैसे मेरे जो दोस्त उसमें कोई पुरानी स्टडीज है कोई मास्टर्स कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में आई आर में तो कोई सोशोलॉजी में तो अलग अलग डाइवर्स बहुत चीज़ें जानने को मिला है फैकल्टी से भी बहुत चीज़ें मिली ऐसा नहीं है कि कुछ बुरी है बहुत अच्छा है मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एड्रेस किया वो चीज़ अच्छी हो सकती है मतलब उसको सही किया जाए तो बहुत बेहतर होगा अभी एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा जैसे ने आपने कहा कि हमें जो भी चीज़ मिला यहीं से मिले सीखा हमने वो एक बात ही कहा करते थे हम और टीचर करते हैं जो शख्स ये जानना चाहता है कि अलीगढ़ मुझसे क्या दिया वो बस जब अलीगढ़ छोड़ रहा हो तो आपने जो कसर बोल पाए तो वो शौक जमा किया है उसकी फोटो काफ़ी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं मुझे तो घाटने बारे में ये लगता है कि अगर मैं आज से 10 साल बाद 20 साल बाद किसी काम पॉजिटिव सबसे बड़ा क्रेडिट होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
मेरा सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है स्टूडेंट सभी हैं यहाँ पर, बस एक साल है, दो साल है, पाँच साल है, कितने साल, तो वो सिर्फ इतना जहन में रखें कि वो चीज़ें जो हमें सेटअप करनी चाहिए जैसे कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी छुट्टी हो जाती है, उसके अलावा ये सब जब हमें ना समझ कर आप काम करें, मगर कोई चीज़ अगर हम वो डिस्कशन वाला माहौल या जहाँ पर आप खुद को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकें वो माहौल नहीं बना सकें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, पर आप लोगों को करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक दीज इनिशिएटिव, डू नॉट वेट फॉर समवन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रॉम द फैकल्टी कि वो आपको आकर कहे कि भाई ये इशू चल रहा है, इस इशू पर लिखें, ये नेशनल इशू है, इस पर बोले, कोई आपको बोले या ना बोले आपने उस पर काम करते रहना है। आई वॉज थिंकिंग कि जब भी मैं देखा करता था, आज भी रात को जब जाता हूँ, क्योंकि आप तो दो तीन दिन बच रहे हैं आपके भी मेरे भी EMU में, तो मैं जब भी गुजरता हूँ वहाँ से, यहाँ पे वो लास्ट मैसेज अब सर सैयद लिखा हुआ है, तो सोचा करता था कि ऐसा क्यों है कि सर सैयद ने जो जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट्स पर ट्रांसफ़र की है, है ना। सर सैयद कहते हैं कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी और मुझे गालियाँ दी जा रही थी, मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, पर उसकी वजह से मेरा विजन कभी कम नहीं, मेरा आई साइट तो कम होगी वक्त से पहले, नहीं शायद ऐसा ही था, तभी सर सैयद को उनसे उम्मीद थी, यानी कि मतलब सर सैयद को स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, यानी कि AMU को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो हम स्टूडेंट्स पर है, और अब जो स्टूडेंट्स AMU में आगे जिनके पास वक्त है तो उन पर है कि वो AMU को मजीद आगे लेकर जाएं, वो लेगेसी जो सर सैयद की थी या उस वक्त के जो AMU मेकर्स थे या उसके बाद जो लोग AMU को एक मियाद पर लेकर आए, तो उनके नक्शे कदम पर चलने के बाद आप AMU को उस लेवल पर लेके जाएं जो सर सैयद चाहते थे कि हर दौर में AMU उस लेवल पर रहे और वहाँ से इस तरह के प्रोडक्ट्स भी निकलें। और इसमें एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत अहम जिम्मेदारी है लॉ फैकल्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, वो ये है कि आपके पास माइनॉरिटीज़ के पास AMU से बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर क्योंकि जिस वी आर लिविंग इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम जहाँ पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, तो एटलीस्ट जो लीगल नरेटिव जाना चाहिए वो यहाँ से जाना चाहिए। मैंने नहीं देखा है कि पिछले पाँच साल में किसी हमारे फैकल्टी मेंबर ने स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, है ना, किसी फैकल्टी मेंबर ने CAA NRC पे एक भी आर्टिकल लिखा हो, किसी भी, हाँ, या और किसी इशूज पर, अयोध्या पर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फैजान मुस्तफ़ा साहब आए हैं और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, मगर करंट इश्यूज़ पर बातें अगर यहाँ से नहीं आएंगी तो कहीं और से आएंगी, और जहाँ कहीं से भी आएंगी वो कम्प्रोमाइज्ड आएंगी और वो उस मेयार की नहीं आएंगी, तो आपको काम करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आप पाँच साल के बाद शेरू के ढाबे पर कनेडियन ऑडिटोरियम के पीछे आप ही हमारी क्रिटिसाइज कर देंगे कि AMU बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। Either do work or wait for 5 years and criticize like us. No, I wouldn't entirely say कि हमने कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से हम सब ने बहुत मेहनत की अपने अपने लेवल पर, मैं आजीज हो रहा हूँ, self denial, हाँ, नहीं definitely don't undermine your efforts, आपने efforts लगाए, but you're standing against a very strong power and a very traditional institution, जो चीजें 100 साल से चल रही है, इट बिकम्स अ वेरी रिजिड इंस्टीट्यूशन, तो उसके सामने खड़े होकर उसको बदलना बहुत आसान काम नहीं, क्योंकि डेकेड्स, और अभी जैसे कि साजिद ने कहा कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का आना यहाँ पर, इट्स अ गुड डेवलपमेंट, और अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो वही है कि आप अपने ऊपर भी काम करें, लेकिन साथ साथ आप जो है अपनी जो कम्युनिटी है उसको लेकर चलें, अपने साथ के स्टूडेंट्स को भी लेकर चलें। हाँ, ठीक है, लोगों ने बहुत अच्छा किया है अभी कॉर्पोरेट में, लिटिगेशन में, बट वन थिंग दैट यू नोटिस इज दैट दे डिड इट अलोन, मतलब उसमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं है, उन्होंने हमें इंस्पायर नहीं किया, उन्होंने हमें नहीं कहा कि तुम भी कर लो, चलो इसमें अप्लाई, या मैं तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ, या मैं तुम्हारा कुछ कर, मतलब यू नो दिस शुड बी दिस थिंग, आप एक दूसरे को रिकमेंड करिए, एक दूसरे के रेफरेंसेज में हेल्प करिए, एक दूसरे को SOPs लिखने में मदद करिए, तो दैट इज़ अ थिंग, कि अगर आप उससे ही मतलब अगर इंस्टीट्यूशन में कोई चेंज आएगा ना, तो वो कलेक्टिव चलने से आएगा, वो अकेले अपने फ़ायदे की चीज़ें करने से नहीं आएगा। एंड यू ओव दिस टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जस्ट एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू ओव इट बैक, एंड यू हैव टू डू अ लॉट फॉर इट एज वेल, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और बहुत अच्छा करिए, एंड वन थिंग आई नीड यू टू नो इज दैट यू आर नॉट अलोन, इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग, कैन बी अ वेरी डिप्रेसिंग प्लेस एट टाइम्स, कभी कभी दिल चाहेगा कि आप छोड़कर घर चले जाएँ, किसी और कॉलेज में पढ़ लें, कोई बात नहीं, ग्लैड दोबारा अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट इससे बेहतरीन जगह भी आपको नहीं मिलेगी, इस ज़्यादा क्लीन एनवायरमेंट
इन्वायरमेंट, इससे ज्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी, इससे ज्यादा अच्छे लोग, इससे ज्यादा सीखने का मौका आपको और किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड मेक इट बेटर थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस. आप जो वो बात कर रहे हैं वो जो भी शूट चल रहे हैं उसको कुछ नहीं लिख रहे हो, तो वो नहीं लिख के वो नहीं लिख के वो जो इनकरेजमेंट है वो वाला स्कोप खत्म कर देते हैं स्टूडेंट के पीछे. अगर आप लिखोगे तो स्टूडेंट भी इनकरेज होंगे कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, मतलब एक नया नजरिया उनको मिलेगा. आप क्लास में डिस्कस करो तो एक नया नजरिया मिलेगा, उस पर काम करके वो अपना एक व्यू पॉइंट डाल सकते हैं, लिख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें होता है कि एक प्रोफेसर आपकी फैकल्टी में ऐसा हो जैसे बात कर रहे हैं वो आपकी मुद्दा बिल्कुल खिला कर देता है. जैसे कल खबर आई कि फैजान मुस्तफ़ा साहब आ रहे हैं, तो एक मतलब हर तरफ से जो है हल्ला शुरू हो गया कि अरे फैजान साहब आ रहे हैं, फैजान साहब आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि एक भी प्रोफेसर अगर हो उस लेवल का हो तो एकदम से जो है वो आपको इंकरेजमेंट भी मिलती है, आप उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह. तो एनी वेज ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर जो जूनियर्स हैं, जो सब स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि आप डिसहर्टेंड ना हो. ये आपको ही इस चीज़ को आगे लेके चलना है कि कल जब आप अपने जूनियर्स के सामने बात करें तो आप उनको इस लेवल पे बात करें कि ये एफर्ट्स हमारे थे, हम गलती को यहाँ तक लेकर आए हैं, आप इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है. मगर उसके लिए आपको काम खुद से शुरू करना पड़ेगा. लिखें, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर लिखें, नेशनल इश्यूज़ पर लिखें, बोलें नेशनल इश्यूज़ पर, लीगल नरेटिव कायम करें, और जो जो आपसे हो सकता है इंटर्नशिप्स पे जाएं. आप ठीक है, आपको फैकल्टी से हेल्प नहीं मिल पा रही, आप सीनियर से कॉन्टैक्ट करें. अगर अभी पिछले दो तीन साल में अच्छे हमारे सीनियर्स निकले जो अच्छी अच्छी भी पोजीशंस पर हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वेरी हेल्प. बाकी छोटी मोटी हेल्प तो हम भी करते हैं. छोटी मोटी मैं इसलिए बोल रहा था कि हो सकता है कि हम उस लेवल पे भी ना पहुंचे हो, बट आप दुआ करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे. तो हम हमारे लिए जो भी होगा, कभी भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी अकेडमिक्स के रिलेटेड, या हाँ ईमेल या हाँ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं. आई वॉन्ट सिंग आई नेवर टोल्ड टू सब्सक्राइब और कमेंट, या आपकी मर्जी. अप्रोच करना चाहिए आपको तो वो मदद है. हाँ, अगर कमेंट कर देंगे इस वीडियो के नीचे, क्या पता कल क्या होता है उनके साथ. नहीं, ये गलत मतलब है. अगर कुछ गलत लग रहा है आपको तो आप बोलो. हाँ, अगर कुछ आप पास आउट होने की जरूरत नहीं, आपको लग रहा है तो आप बोलो. कलेक्टिवली बोलेंगे तो टारगेट नहीं आएंगे. नहीं, ठीक है, बेहद शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी. बेहद शुक्रिया आप सबका भी. आपको